आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून से टिहरी झील तक बनेगी सुरंग, महज एक घंटे में पहुंच जाएंगे टिहरी झील। रेलवे बोर्ड और NHAI ने शुरू की कवायद। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देहरादून से टिहरी झील तक महज एक घंटे के भीतर पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए देहरादून के रानी पोखरी से सीधे टिहरी झील तक एक विशाल सुरंग का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण रेलवे बोर्ड और NHAI संयुक्त रूप से करेंगे। इस योजना के लिए उत्तराखंड सरकार पहले ही रेलवे और NHAI से बात कर चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सुरंग कहां से शुरू होगी, कितनी लंबी होगी और टिहरी में कहां पर खुलेगी। इस टनल का निर्माण रानी पोखरी के पास से किया जाएगा और ये झील के पास कोटी कॉलोनी क्षेत्र में खुलेगी। NHAI के अधिकारियों के अनुसार सुरंग की कुल लंबाई 35 किलोमीटर होगी और इसका बजट 8000 करोड़ रुपये होने का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। सुरंग निर्माण की मेगा परियोजना पर आगे बढ़ते हुए प्राधिकरण अधिकारियों ने सुरंग के अलाइनमेंट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र के जिस भाग से सुरंग का निर्माण शुरू किया जाएगा वहां से टिहरी झील की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। यहां से टिहरी झील तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। सुरंग निर्माण के बाद ये दूरी महज 1 घंटे के भीतर पूरी की जा सकेगी। NHAI अधिकारियों के मुताबिक टिहरी झील तक डबल लेन की 2 सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक सुरंग से दूसरी सुरंग में पहुंचने के लिए निर्धारित दूरी पर यू टर्न भी दिए जाएंगे। दूसरी सुरंग आपात परिस्थितियों के लिए बनाई जाएगी ताकि आग, भूस्खलन, भूकंप जैसी स्थिति में दूसरी सुरंग का प्रयोग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।